हेलो स्टूडेंट, कल जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, लेकिन कुछ उस वीडियो में टेक्निकल समस्या आ रही थी, तो आप लोगों के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कमेंट में आई हैं। जैसा कि देखा तो उसमें हमने देखा कि उसको भी रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूमन राइट में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में हमने देखा था। संरचना में हमने देखा था कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्ट्रक्चर और गठन के बारे में बताया गया। गठन में हमने देखा था कि इसका गठन कौन करता है, तो गठन से यदि क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो स्ट्रक्चर, उसमें हमने देखा था कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन या योग्यता की बात करें तो पूर्व CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश कौन बन सकता है, अध्यक्ष। एक सदस्य हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जो जज है उसको भी हम एक मेंबर के रूप में लेते हैं। एक और सदस्य हमने देखा था किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व, ध्यान रखना जो सदस्यों की योग्यता उसमें पूर्व और वर्तमान दोनों है अथवा रहा हो, दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। एक सदस्य अध्यक्ष, पूर्व CJI या पूर्व सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, एक सदस्य वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज, एक अन्य सदस्य कौन होगा, किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व मुख्य जज, किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान हो या पूर्व हो तो वो भी एक मेंबर के रूप में 3 अन्य सदस्य होते हैं। ऐसे सदस्य जो मानव अधिकार संबंधी जानकारी रखते हैं। इसमें 2019 में एक संशोधन भी हुआ। संशोधन क्या हुआ कि 3 सदस्य ऐसे जो मानव अधिकारों के जानकार हों, जानकारों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। ये उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो 3 सदस्य होंगे, तो हम देख चुके थे 6 सदस्य ये हो गए थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय पिछड़ा कुछ अन्य सदस्य भी थे। सेक्शन 3 के अंतर्गत हम संरचना में पढ़ रहे थे पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष, नेशनल वुमेन मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, और SC मतलब शेड्यूल कास्ट जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है उसका अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और दिव्यांगजन आयोग का जो मुख्य आयुक्त है वो भी इसका सदस्य पदेन सदस्य होता है। तो कुल मिला के हम देख चुके थे कि इसमें 13 मेंबर होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कितने मेंबर होते हैं, 13। फिर अगला, इसके स्ट्रक्चर में एक और व्यक्ति होता है, जैसा कि हमने बोर्ड पर दर्शाया है, आयोग का एक महासचिव होता है जिसे हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ये किस लिए बनाया जाता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फाइनेंशियल वर्क मतलब प्रशासनिक या वित्तीय, प्रशासनिक व वित्तीय कार्य करने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, जो केवल पहले, ये यहां पे संशोधन किया गया, ये न्यायिक कार्य भी पहले करता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद उन्होंने स्पष्ट इसको निर्देशित किया है कि ये जो महासचिव है ये कौन करेगा, क्या काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड फाइनेंशियल वर्क, प्रशासनिक कार्य और केवल वित्तीय कार्य। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो इसका उप जो सब ब्रांच है वो भी कहीं भी खोल सकती है। ध्यान रखना ये अधिकार किसको है, केंद्र सरकार के पास है। कहीं भी इसका हेडक्वार्टर या ब्रांच डालने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। तो ये इसके स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने 13 सदस्यीय एक अध्यक्ष और 12 सदस्य मुख्यतः,
एक अध्यक्ष, पांच सदस्य, सात पदेन सदस्य, ये हम देख चुके हैं। अगला जो आज का हमारा टॉपिक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित, कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, भाई कौन अध्यक्ष बनाएगा, कौन सदस्य नियुक्त करेगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, तो कौन बताएगा कि इनमें से कौन सा जो रिटायर्ड है, बहुत सारे रिटायर्ड होते हैं, तो कौन नियुक्ति करेगा, इसके बारे में स्पष्ट लिखा है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 मतलब धारा 4 मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 4 कहती है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेगा? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर, एक कमेटी होगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति इन अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। लेकिन इस समिति में होगा कौन, इस समिति में होगा कौन, ये समिति कौन बनाएगा? तो देखो, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। समिति में, समिति का एक अध्यक्ष होता है, जिस समिति की रिकमेंडेशन पर, जिस समिति की अनुशंसा पर, जिस समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, उस समिति में एक अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्रधानमंत्री। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उस समिति में एक सदस्य होते हैं, एक सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, कमेंट में बताइएगा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, कमेंट में बताइएगा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो एक सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, एक सदस्य राज्यसभा का उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का उपसभापति, एक अन्य सदस्य। एक सदस्य होता है इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता का मतलब क्या है कि इसमें यदि हम देखें हाउस ऑफ पीपल में, तो जो अपोजिशन में, अपोजिशन की कंडीशन आपको पता है, विपक्ष की कंडीशन कम से कम मिनिमम 10% सीटें चाहिए होती है। और वर्तमान स्थिति में किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में 10% सीटें नहीं है, तो संभवतः ये पद रिक्त भी रहता है। इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। तो कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर लोकसभा का, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इसमें भी विपक्ष का नेता, हाउस ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट में विपक्ष का नेता एक सदस्य होता है। एक सदस्य भारत का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, भारत का गृह मंत्री। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक अध्यक्ष प्लस 5 मेंबर। तो इधर से क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है कि जिस समिति की रिकमेंडेशन पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वह है कितने सदस्यीय होती है। अगर वहां सदस्यीय शब्द है तो फिर आपको उस पर 6 आंसर सही होगा, सदस्यीय, क्योंकि अध्यक्ष भी इसी समिति का एक सदस्य होता है। लेकिन अगर उन्होंने स्पष्ट पूछा कि जिस समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य 5 होते हैं, सदस्य कितने होते हैं? 5 और एक अध्यक्ष, लेकिन सदस्यीय तो 6 आंसर आएगा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। तो कितने सदस्य हो गए इसमें हमारे? 5, 1, 6, टोटल कितने मेंबर? 6 सदस्यीय। तो ये वह समिति है जिसकी सिफारिश पर हम आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहां पर नीचे नोट लिखा है, जब भी किसी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, वर्तमान, जैसे हम अपने मध्य प्रदेश से ही ले लेते हैं, आप कमेंट में बताइएगा वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसमें हम देखेंगे किसी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए,
इस समिति के पास, इस समिति ने सिफारिश कर दी कि जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कहां लिया जा रहा है, मानव अधिकार आयोग का सदस्य घोषित कर दिया गया। अब एक व्यक्ति दो जगह काम करेगा तो अच्छे से काम नहीं कर सकता, और फिर अगर यहाँ तो फिर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का जो मुख्य जज का काम है वो कौन निभाएगा? तो नियुक्ति के लिए पहले ज्यूडिशियली की अनुमति आवश्यक होती है, मतलब न्यायपालिका की हमें अनुमति आवश्यक होती है। बिना न्यायपालिका की अनुमति के किसी भी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का, या चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी हो वही कंडीशन लागू होती है, या किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो वही कंडीशन लागू होती है, हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं सेक्शन 5 में इनके त्याग पत्र की भी बात की जाती है कि इनका त्याग पत्र तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये सभी जो सदस्य होते हैं ये अपना जो इस्तीफा सौंपते हैं या त्याग पत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को, अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। और आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इससे संबंधित समस्याएं हैं, एक दो दिन लगेगा, कंटिन्यू आपकी क्लास चलने लगेगी, अभी एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो आ रहा होगा, जैसे परसों जो वीडियो आया था उसमें टेक्निकल समस्या आ रही थी, इसमें थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। इसके बाद जो आगे के वीडियो आएंगे और हो सकता है एक दो दिन में आपकी कंटिन्यू क्लास चलने लगे, तो जो भी आपकी समस्याएं आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इस COVID-19 की भी समस्या से आप लोगों को बचना है, ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहिए और घर पर ही स्टडी करने का प्रयास करिए। अगला जो क्लास लगेगी वो हो सकता परसों लगे, लेकिन परसों के बाद फिर आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। थैंक यू।